और चुनाव आ गए हैं, मैं चाहूंगा कि उपराष्ट्रपति कभी राष्ट्रपति बन जाए तभी हम उनका स्वागत करेंगे। कृपा करके अभी मेहरबानी रखें, अभी जो बार बार सुबह शाम आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, कोई तुक नहीं है क्या? चुके चुनाव चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, आप बाबा और क्या लोग समझेंगे आपके बारे में, आप चाहते क्या हो? ये संवैधानिक संस्था जो है उसका मान सम्मान का कोई सरकार हो, उपराष्ट्रपति बने थे बहुजन सरकार के साथ, शानदार स्वागत किया मैंने उनको मुख्यमंत्री वर्ग बुला करके। उनकी पार्टी लोगों ने नहीं किया, उनकी पार्टी स्वागत किए ही नहीं। एक महानगर टाइम के गोपाल शर्मा है, ऊपर रिश्ते थे, 200 लोगों को बुलाया उसने लक्ष्मी होटल के अंदर, वो सम्मान था उनका। मुझे बुरा लग रहा था, मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त, मैंने बुलाया शानदार निवास के ऊपर, शेखर था 52 मंत्री एमएलए बनते आ रहे थे उस जमाने के, ब्यूरोक्रेट थे, रिटायर्ड जनरल थे, आईपीएस आईएएस जो भी थे, उन सबको मैंने बुलाया। तो मैंने 2-2.5 घंटे बैठे वहां देखा, मैंने इस सबसे मैं मिल पाया एक साथ में, तो मैं कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं करता ऐसे मामलों के अंदर। और आज उपराष्ट्रपति बार बार हो रहे, इस महीने में 5-7 बार आ गए होंगे, बताइए जनता को समझती है इन बातों को, और जनता ने जवाब देगी इस प्रकार की हरकतें चल रही है राज्य के अंदर कि एक के बाद एक मंत्री आ रहे हैं। कोई बात नहीं, मंत्री के बाद तो काम भी नहीं दिल्ली के अंदर, लेकिन काम तो आर एस एस का एक बंदा वहां बैठा हुआ विभाग के अंदर, वो जाने सेक्रेटरी जाने, सिस्टम नया बना दिया मोदी जी ने पहली बार आजादी के बाद में। तो मैं कहना चाहूंगा आपको प्रधानमंत्री जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं अगली बार आए राजस्थान में तो आप गारंटी देने जा रहे हैं आजकल, आप एक गारंटी दीजिए कि सरकार आएगी तो कोई योजना भी बनाई सरकार ने, हमने कोई बंद नहीं होगी राजस्थान की योजना बदलने की।